हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेताज फूड लैब। आज हम बनाएंगे चीज गार्लिक ब्रेड, वो भी तवे पर, ना किसी ओवन का झंझट, ना किसी माइक्रोवेव का। ये रेसिपी झटपट से तवे पर तैयार हो जाती है, बहुत ही यम्मी लगती है खाने में, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए बनाते हैं मिलकर चीज गार्लिक ब्रेड, वो भी तवे पर। चीज गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं, आधा कटोरी बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च लिया है, 2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया लिया है, 1 कटोरी मोजरेला चीज लिया है, 60 से 70 ग्राम के करीब अमूल बटर लिया है, आधा कटोरी स्वीट कॉर्न लिए हैं, 2 चम्मच मैंने बारीक क्रश किया हुआ लहसुन लिया है, चीज के मैंने 3 क्यूब्स लिए थे उनको मैंने ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा नमक और मिक्सर लिया है, 4 ब्रेड ली है। सबसे पहले गार्लिक बटर बनाएंगे, तो एक बोल में हमने जो बटर लिया था उसको हम इस बोल में डाल देंगे। बटर हमें रूम टेम्परेचर पर ही लेना है, तो फ्रिज से निकाल कर उसको पहले रख दीजिए। अब इसमें हमने जो ग्रेट करके लहसुन लिया था वो डाल देंगे, लहसुन को मैंने ग्रेटर से ही ग्रेट किया है। अब जो हमने हरा धनिया लिया था वो इसमें डाल देंगे, आधा चम्मच भर के चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे, क्योंकि बटर में भी नमक होता है और चीज में भी नमक होता है, तो नमक आप थोड़ा सा ही ध्यान से डालें। अब इसमें मैं आधा चम्मच ऑरिगेनो डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं और अपने टेस्ट के अनुसार इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से स्पून से मिक्स करके गार्लिक बटर हम तैयार कर लेंगे। गार्लिक बटर हमारा तैयार हो गया है। अब हमने जो सैंडविच ब्रेड ली थी वो लेंगे। यहाँ पर मैंने बड़ी वाली सैंडविच ब्रेड ली है, आप कोई भी नॉर्मल ब्रेड ले सकते हैं। अब इस ब्रेड पर चारों तरफ अच्छे से इस बटर की पतली सी लेयर हम चारों तरफ फैला देंगे, बटर हमें चारों तरफ अच्छे से लगाना है। अब इस पर मैं थोड़े से स्वीट कॉर्न है उनको फैला दूंगी और जो हमने शिमला मिर्च बारीक काट कर रखी थी वो भी इस पर फैला देंगे। आप चाहें तो और भी सब्जियां डाल सकते हैं। अब इसमें जो हमने ग्रेट करके चीज रखा था वो इसमें डाल देंगे, आपके पास घर में जो भी चीज हो वो आप इस पर डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चीज का इसमें। अब इसके ऊपर मैं मोजरेला चीज डाल रही हूँ, चीज आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको चीज ज्यादा पसंद है तो आप चीज की क्वांटिटी थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। अब इस पर थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे, आप थोड़ी सी इसमें मिक्सअप डालेंगे जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। अब एक दूसरी ब्रेड लेंगे जिसको ऊपर से इसको कवर कर देंगे और हाथों से थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे। अब इस ऊपर वाली ब्रेड पर भी गार्लिक बटर को अच्छे से लगा देंगे, चारों तरफ गार्लिक बटर को अच्छे से फैला देंगे। इस तरीके से पहले वाला गार्लिक ब्रेड हमारा सेकने के लिए तैयार है, इसको हम साइड से रख देंगे और इसी तरीके से हम अपने दूसरी ब्रेड्स भी तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इनमें और सब्जियां भी डाल सकते हैं, इनको हम चीज गार्लिक ब्रेड की जगह पर चीज गार्लिक सैंडविच भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होते हैं ये चीज गार्लिक ब्रेड। तो देखिए चीज गार्लिक ब्रेड सेकने के लिए तैयार है हमारे। अब यहाँ पर मैंने इंडक्शन पर एक पैन को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इस ब्रेड को जिस साइड पर हमने बटर लगाया था उस साइड से सेकने के लिए रख देंगे। अब ब्रेड को अच्छे से चारों तरफ से प्रेस कर देंगे जिससे ये नीचे से अच्छे से सिक जाए। इस समय गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और ढककर हम इसे ब्रेड को 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे, जिससे इसमें जो भी हमने चीज डाले हैं वो अच्छे से पक जाएं, मेल्ट हो जाएं। अब ढक्कन हटाकर ऊपर की जो लेयर है उस पर भी हम गार्लिक बटर लगा देंगे चारों तरफ अच्छे से। अब ब्रेड को उठाकर पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए नीचे वाली साइड से कितने अच्छे से ब्रेड हमारी सेक गई है। अब इसको भी हम कवर करके 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर या मीडियम टेम्परेचर पर। देखिए चीज गार्लिक ब्रेड हमारी दोनों साइड से अच्छे से सिक गई है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब इसको हम निकाल लेंगे
और इसी तरीके से हम अपनी दूसरी वाली जो ब्रेड तैयार करके रखी थी उसको भी हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोनों ब्रेड मैंने तैयार कर ली हैं, दोनों ब्रेड हमारी खाने के लिए सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं इन चीज गार्लिक ब्रेड को। तो मैं यहाँ पर पिज्जा कटर से इनको कट कर ले रही हूँ, आप अपने पसंद से कैसे भी इनको कट कर सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें लंबे लंबे स्ट्रिप्स में भी कट कर सकते हैं। ये चीज गार्लिक ब्रेड मेयोनीज के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगते हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि आप कब बना रहे हैं चीज गार्लिक ब्रेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।